हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन कि चैप्टर 4 में क्या क्या दिए हुए हैं। चैप्टर 4 है, नाम ही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। 9th क्लास का जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में कि हमारे पास क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। उसी से हम आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वेयर्ड। एक हमारे पास इट इज़ एन इक्वेशन, ये एक ऐसी इक्वेशन है दैट कंटेन, जो कंटेन करती है एट लीस्ट वन, कम से कम एक टर्म दैट इज स्क्वेयर्ड, जो कि स्क्वेयर की होगी। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, इसी तरह कि कम से कम एक टर्म हमारे पास ऐसी हो जिसका स्क्वेयर हो, उसको हम क्या बोल देंगे, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हमारे पास पार्ट आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास 3 या 4 मेथड होंगे, ठीक है, उसमें से जो हमारे पास जो हमारे सिलेबस के अंदर है सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है हमारे पास फैक्टराइज। फैक्टराइज करें हम, कोई भी हमें इक्वेशन दी है, ये तो हमने 9th में पढ़ा भी था, इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये हमारे पास 7 और ये 10, इन दोनों को ब्रेक करना है हमें कि हमें कोई भी ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि उन दोनों को हम प्लस करें 7 आ जाए, उन दोनों की मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, दोनों को प्लस करने से 7 आए और दोनों की मल्टीप्लाई 10 आए। हमारे पास ऐसे कौन से नंबर हैं, 2 प्लस 5, प्लस का 7 आ जाएगा हमारे पास है, और इन्हीं नंबर्स की 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10, तब हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो इसके हमने फैक्टर कर लिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, x, फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया x, क्या बचेगा x प्लस 5, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे 2, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 5 है, दोनों में से कॉमन ले लिया x प्लस 5, अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस 2, ये क्या बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब किन्हीं भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होगी, उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा तभी उनकी मल्टीप्लाई 0 होगी। पहले फर्स्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सेकंड को 0 के इक्वल, फर्स्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, सेकंड को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ये हमारा था फैक्टराइज मेथड। सेकेंड हमारे पास मेथड आता है कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड वो मेथड होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसके हम फैक्टर नहीं बना सकते, जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड, कि किसी तरह उसमें कुछ प्लस माइनस करके हमें कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे पास इक्वेशन है, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स। अब देखो जो भी हमारे पास x स्क्वेयर का कोफिशियंट है, सबसे पहले जब हम कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड करेंगे तो सबसे फर्स्ट हमारे पास ये रूल है कि जो भी x स्क्वेयर का कोफिशियंट है सबसे पहले हमें उसको ख़त्म करना है, उसको अगर 1 बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे डिजिट है उसी से सभी के डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड से। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 0, इसीलिए 2 से 2 कैंसिल, क्या आया x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो आपको याद रखना है कैसे, जो भी हमारे पास x का कोफिशियंट है, x का कोफिशियंट क्या था हमारे पास 5/2, इसका हमें हाफ करना है, हाफ करेंगे तो इट मीन्स डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मीन्स, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 5, 2 2 जा 4,
हमारे पास क्या आया, 5/4। फिर करेंगे इसका स्केयर, 5/4 का स्केयर करने का जो भी ये नंबर आए इसको प्लस भी करेंगे और इसी नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास एक्स का कोफिशियंट है, सबसे पहले हमने एक्स का कोफिशियंट उठाया 5/2, फिर हम उसको हाफ कर देंगे, उसका हाफ करेंगे तो इट मीन्स डिनोमिनेटर में 2 आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे, 5 2 2 जा 4, ये हमारे पास जो नंबर आया उसका स्केयर करेंगे, स्केयर करने स्केयर करके प्लस भी कर देंगे और माइनस भी करेंगे, इज इक्वल टू 0। अब ये करने के बाद जो हमने स्केयर प्लस किया है उसको हम लेंगे इस इक्वेशन के साथ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एक्स स्केयर माइनस 5/2x प्लस, अब इसको लिख लेंगे 5/4 का स्केयर प्लस 3/2 माइनस 5 का स्केयर क्या आ जाएगा 25 और 4 का क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 5/4 का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा, ए माइनस बी का होल स्केयर, एक्स माइनस 5/4 का स्केयर प्लस दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 माइनस 25 माइनस, इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको इक्वल से उधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस 5/4 का होल स्केयर इज इक्वल टू 1/16, इसका स्केयर एज इट इज इक्वल टू, इसको हम 1/16 को क्या लिख देंगे, प्लस माइनस 1/4 का होल स्केयर, स्केयर से स्केयर कैंसल, एक्स माइनस 5/4, एक बार इसको प्लस 1/4 के इक्वल ले लेंगे, एक बार इसको माइनस 1/4 के इक्वल लेंगे, प्लस के इक्वल लेंगे तो माइनस को इधर लेके आए प्लस हो गया, 4 4 एलसीएम सेम है, 5 और 1 6/4 इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 2 3 जा क्या आ जाएगा 3/2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है माइनस ले लिया, एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/4, ये माइनस था इधर लेके आए प्लस हो गया, एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 5, 5 में से बन जाएगा 4 4/4 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, किसके लिए यूज़ करते हैं हम, हमें हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसका हम फैक्टराइज नहीं कर सकते उसके लिए हम करते हैं कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, 2x² - 5x + 3 = 0, a इज इक्वल टू 2, जो भी हमारे पास कोफिशियंट है कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 3। अब हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई, a b c की इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 5 का स्केयर 25 माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और सी की वैल्यू 3, 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू 2। अब माइनस 5 प्लस हो गया, प्लस माइनस 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4, 5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा क्या आएगा 1, 1 का रूट करेंगे तब भी क्या आएगा 1, 5 प्लस माइनस 1/5, 4, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 + 1/4 और माइनस लेंगे 5 - 1/4, 5 और 1 6 6/4 क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा 3/2 और 5 - 1 क्या आ जाएगा 4 4/4 1, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में आएगा नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसमें हमारे पास पहले है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, इसी को हम क्या बोलते हैं डी, डी का हमारे पास क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से डी जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac, जो हमने ये अंदर निकाला है ना 20² - 4ac, ये जो हमने निकाला है यही हमारे पास क्या होता है डी।
वो हमारा डिपेंड करता है तीन कंडीशंस पे। अगर डी की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो से बड़ी आती है, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। जीरो से बड़ी इट मीन्स यहाँ पे देखो हमारे पास जीरो से बड़ी आई थी, 25 में 24 गया, वन जीरो से बड़ा हो गया ना वन। अगर जीरो से बड़ी आई तो हमारे पास कितने रूट्स आएंगे, टू रूट्स आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। अगर ये हमारे पास जीरो आ जाता है तो यहाँ पे ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। फाइव प्लस माइनस फाइव में जीरो ऐड करें या जीरो माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो क्या बोल देंगे, टू इक्वल रूट्स है, कि दोनों इक्वल रूट्स आएंगे, नो रियल रूट है। नो रियल रूट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कि अगर हमारे पास बी स्केयर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू कर रहे हैं ये हमारे पास ऐसे होता है, अगर इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, बी स्केयर की वैल्यू हमारे पास आ गई मान लिया 24 5, और इसकी जो वैल्यू है वो आ जाए हमारे पास 26, ठीक है, सॉरी 26 नहीं 32 लिखो, 36 लिखेंगे, 36 आ गई। अब इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस 11 ये आया। अब अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस 11, जीरो से छोटा है, डी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, उसके लिए हम क्या बोल देंगे, नो रियल रूट। कि जब हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, नो रियल रूट, कि उसका कोई भी रियल रूट नहीं है, उसे हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये था आपका चैप्टर फोर्थ का इंट्रोडक्शन जो कि इसके अंदर आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।